तो अभी मैं आ गया हूँ साइट पे, तो साइट पे आज आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि आज क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम टेरेस से स्टार्ट करते हैं। टेरेस पे एक आधी दीवार में लगा दी हो, ये जो विंडो है थोड़ा तोड़ जाएगी छत तक। तो उसके बाद मैं आपको ड्राइंग की सुविधा बताऊँ। ड्राइंग की तकरीबन ये दीवार भी लगा दी है, एक विंडो हमने यहाँ रखनी है और एक फ्रंट पर रखनी है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि पीछे जितना तकरीबन जितना भी काम है ना, वो 4 फुट 4.5 फुट तक पहुँच चुका है। बस एक ये वाल रह गई है, क्योंकि अभी ये सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से, हाँ, तो इसलिए ये वाल नहीं लगाई। तो पीछे जितना भी है और सारा का सारा हो चुका है 4 फुट तक सीधा। कल की वीडियो में मैंने बताया था, तो आज ये फ्रंट की दीवारें जितनी भी है ना, ये सारी ऊपर जा चुकी है। इधर एक निश रखी है हमने टीवी के लिए, बाकी सारा का सारा काम आप देख सकते हैं। नीचे के बेस में आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने कंपैक्ट कर लिया है। तो पहले वाइब्रेटर लगवाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे दो मज़दूर लगा के सारी लेवल की है, उसके बाद दुर्मट भी लगाया है। तो जितना ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि पूरा लेवल हुआ हुआ है। तो मैं देखिए यहाँ से आपको मैं कमरा भी दिखा देता हूँ, रूम भी, वो भी हमने कंपैक्ट करवाया हुआ है। तो ये देखिए, वाशरूम भी दिखा देता हूँ, ये भी कंपैक्ट करवाया हुआ है, थोड़ा नीचे रखे हैं हमने। डिटेल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अब दीवार देख सकते हैं 7 फुट तक एंड तक सारी हो गई है। तो इन बीच में जितनी दीवारें थी वो 5.5 4 तक हो चुकी हैं। अभी ये वाली दीवार लग रही है, ये भी 7 तक पहुँच जाएगी। तो कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि 7 तक पहुँच जाए। लेकिन बस अब ये ईंटें थोड़ी बहुत रह गई हमारे पास, और थोड़ी इधर हैं और थोड़ी बहुत इधर हैं। इसके अलावा हमारे पास ईंट सारी ख़त्म हो चुकी है, तो ईंट का भी इंतज़ार है। तो कल चौकाट भी आ जाएंगे, चौकाटे सारी लग जाएंगी। तो आज की स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ से सारी की सारी दीवारें हो चुकी हैं। ये नेट छोड़ा हमने दरमियान में, टीवी लॉन्च वाले एरिया में रेत पड़ी है, और ये किचन का एरिया आ जाएगा। वो वन विंडो छोड़ी हुई है, वहाँ पर विंडो है। ये आज की स्टेटस आप देख सकते हैं, सारी की सारी दीवारें जो है 2 दिन तक 7 फुट में पहुँच जाएंगी, अगर ईंटें टाइम पे आ गई तो। यहाँ पे आया हूँ चेक करने के लिए कि इन्होंने शेड, मैंने कहा था इनको कि यहाँ तक काटना है, लेकिन पूरा काट लिया है। ये जो स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा है ना, ये अब इसके सपोर्ट कोई नहीं है, तो ये ख़तरनाक हो गया। इसको सेट करना है, ख़त्म भी करवा देना पड़ेगा। वो वहाँ पर भी सेट करवा दिया, अभी यहाँ पर ना ठेकेदार है ना उसका भाई है। तो ये जो ठेकेदार का अपना भाई यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसको मैंने बता दिया कि ये हिसाब किताब देख लो, कर लो। तो उसको मैं समझा दिया कि वो करो दवा लगना है, और इसको फ़िलहाल छोड़ दो, क्या बताइए, करवा दें।